हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ट्रांसपेरेंट लॉगिन फॉर्म यूजिंग HTML एंड CSS। बेसिकली इस ट्रांसपेरेंट लॉगिन फॉर्म में हमने एक दिया है इनपुट, जिसमें यूज़र अपना नेम इंटर कर सकता है, देन वो अपना पासवर्ड इंटर कर सकता है, देन हमने एक लॉगिन बटन बनाया है जिस पर होवर इफेक्ट भी लगाया है। अगर यार आपको वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम आ चुके VS Code Editor पर और हमारे पास है दो फाइल, एक HTML और एक CSS फाइल। देन ये हमारे पास एक रिवर की इमेज है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले हम लिंक टैग को लिंक कर लेंगे और उसमें लिख देंगे हम CSS फाइल का पाथ। देन हम एक ड्यू बना रहे हैं और उसमें हम कंटेनर उसकी क्लास दे रहे हैं। देन उसके अंदर हम एक और अनदर ड्यू बना रहे हैं, जिसमें उसकी जो क्लास दे रहे हैं वो हेड दे रहे हैं। बेसिकली इसमें क्या होगा कि हमारा H1 आने वाला है, इसलिए हमने उसे हेड दिया। उसमें H1 में हमने लिख दिया लॉगिन फॉर्म। देन अब हम बना रहे हैं फॉर्म टैग। फॉर्म टैग का यूज़ कर रहे हैं हम इसमें, और उसमें हम बना रहे हैं इनपुट टैग। इनपुट टैग के अंदर हम लिखेंगे प्लेस होल्डर में इंटर यूजर नेम। देन हम क्या करेंगे, इस इनपुट को पेस्ट कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। देन टाइप में हम यहाँ पर सेकंड वाले में लिख देंगे पासवर्ड। पासवर्ड इसलिए कि जो आप देख रहे थे सेकंड फील्ड में, हम जो भी लिख रहे हो पासवर्ड के फॉर्म में आ रहा है, तो वो विद द हेल्प ऑफ दिस आपको यहाँ पर पासवर्ड लिखना पड़ेगा, है ना, इससे ही वो आएगा। देन हमने यहाँ पर पी में लिख दिया फॉरगॉट पासवर्ड। देन एक बटन क्रिएट कर लेंगे, जिसमें बटन में हम लिखेंगे लॉग इन, और उसके बाद हम एक और पी टैग ले लेंगे जिसमें लिखेंगे नॉट अ मेंबर, नॉट अ मेंबर बर साइन इन, साइन इन। और हम यहाँ पर लिखेंगे बेसिकली स्पैन टैग। स्पैन टैग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यार हम ये चाहते हैं जो साइन इन है ना, ये अलग कलर में दिखे, तो इसीलिए हम यहाँ पर स्पैन टैग के अंदर ही साइन इन को लिख रहे हैं। और स्पैन टैग क्या करता है यार, कि स्पैन टैग में एक ही लाइन में आता है ना। तो आप देख सकते हो हमारा जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी। हमने लगभग HTML कंप्लीट कर लिए, अब हम चलते हैं CSS फाइल की तरफ। और बॉडी में हम सबसे पहले देंगे PGC। बेसिकली हम यहाँ पर देंगे बैकग्राउंड इमेज देने वाले, तो हम यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज। इमेज में हम डालेंगे URL, URL में हम लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर हमारी इमेज का नेम। तो हमारी इमेज का नेम है river.jpeg। देन बैकग्राउंड साइज कवर, तो बैकग्राउंड साइज कवर से क्या होगा कि जो हमारी पूरी ब्राउज़र की स्क्रीन है वो पूरी उसको कवर कर लेगा। बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, इससे क्या होगा कि इमेज रिपीट नहीं होगी, एक ही इमेज दिखेगी। देन अब यहाँ पर हम लिखेंगे हाइट। बेसिकली हाइट हम लिख देंगे 85 व्यू पोर्ट हाइट। इससे क्या होगा कि यार 85 हमारी व्यू पोर्ट हाइट आएगी, जो भी हमारा ब्राउज़र के साइज़ है ना उसके हिसाब से 85 आएगा, है ना। अब हम चल रहे कंटेनर में, और कंटेनर में जाने के बाद हम यहाँ दे रहे हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में हम दे रहे हैं RGB, यही कलर है जिससे हम क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंट हम बना पा रहे हैं हमारे लॉगिन फॉर्म को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कलर है, ये कलर से हमने ट्रांसपेरेंट बनाया हमारे लॉगिन फॉर्म को। और विड्थ दे रहे हैं हम 300 पिक्सल। देन हाइट दे रहे हैं हम 380 पिक्सल हाइट दे रहे हैं। टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो बेसिकली जो भी टेक्स्ट होगा इनपुट होंगे वो सभी सेंटर में आ जाएगी। और यहाँ पर हम दे रहे बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल। तो आप देख सकते हो जो हमने अब तक CSS दी उसका आउटपुट आ चुका है। अब हम चल रहे फॉर्म में जो इनपुट है बेसिकली उस पर, और उसको दे रहे हैं मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल। फिर
विड्थ हम दे दे रहे इसको 260 पिक्सल, देन हाइट दे दे रहे हम 30 पिक्सल, बेसिकली जो इनपुट है ना उसको दे दे रहे, इनपुट हमने विड्थ हाइट दे दी, देन उसके अंदर हमने जो फॉन्ट होगा बेसिकली वो 19 पिक्सल का होगा, देन बॉर्डर नन, बेसिकली जो इनपुट है उसकी बॉर्डर नन कर दे रहे और आउटलाइन भी नन कर दे रहे। आउटलाइन क्या होती है, जब हम कुछ एंटर करने जाते हैं ना तो जब आउटलाइन आती है तो वो भी हमने नन कर दिया यहाँ पर। देन अब क्या ले रहे हैं हम फॉर्म में, आप देख सकते हो कि जो हमने CSS दी वो अप्लाई हो रही है, काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छी लग रही है अब तक की CSS। हम बेसिकली जा रहे हैं फॉर्म में जो पी है, पी को हम दे दे रहे हैं मार्जिन टॉप से, क्योंकि वो भी एक दूसरे से दूर दूर दिखना चाहिए, तो मार्जिन टॉप से हम 22 पिक्सल दे दे रहे हैं एंड फॉन्ट साइज 22 पिक्सल दे रहे हैं बेसिकली उसकी। देन फॉर्म में जो बटन है ना, फॉर्म में जो बटन है उसकी विड्थ दे दे रहे हैं हम 260 पिक्सल, देन हाइट दे रहे हैं उसकी 38 पिक्सल हाइट दे दे रहे हैं उसकी, देन हम दे दे रहे हैं उसका बैकग्राउंड कलर दे दे रहेंगे हम उसमें, बैकग्राउंड कलर देंगे उसमें ब्लू, और इस ब्लू को हम थोड़ा कर लेंगे सेट। आप देख सकते हो इस तरीके से आप थोड़ा सेट कर सकते हैं आपको जो भी लग रहा है, ये बहुत सिंपल तरीका है, सेट कर लीजिए आप यहाँ से। देन कलर वाइट, बेसिक कलर वाइट मतलब जो टेक्स्ट होगा ना उसके अंदर वो कलर वाइट होगा, और फॉन्ट साइज़ हम दे रहे हैं यहाँ पर 21 पिक्सल का, जो भी टेक्स्ट होगा उसकी फॉन्ट साइज़, और बॉर्डर नन मतलब कोई बॉर्डर नहीं दिखना चाहिए हमें। देन बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल का, मतलब है हम हल्का सा बॉर्डर रेडियस दे रहे हैं उसको, तो आप देख सकते हैं हमारा जो बटन है वो भी क्रिएट हो चुका है, हमने बटन भी क्रिएट कर लिया बेसिकली, और फॉन्ट साइज़ को मैंने यहाँ क्या करें थोड़ा बड़ा कर दिया, तो यहाँ पर हमने बटन भी क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करते हैं बेसिकली फॉर्म में टैग लिखा मैंने, बेसिकली फॉर्म में जो स्पैन टैग है आपको याद होगा मैंने पी टैग के अंदर स्पैन टैग बनाया था, तो उसका हम कलर कर दे रहे वाइट, और फॉन्ट वेट कर दे रहे हम 900। बेसिकली इससे क्या होता है कि जो उसकी साइज़ होती है ना वो बढ़ जाती है, वो डार्क दिखता है बेसिकली, आप इससे समझिए। देन अब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली जो कंटेनर पे हेड है, बेसिकली हेड मीन्स जिस पे हमने लिखा है H1 लॉगिन फॉर्म, उसको हम दे रहे हैं CSS, उसको हम दे रहे हैं मार्जिन टॉप से 60 पिक्सल, मार्जिन टॉप से 60 पिक्सल, और कलर वाइट दे रहे हैं हम, और फॉन्ट साइज़ दे रहे हैं उसे हम, फॉन्ट साइज़ दे रहे हैं हम उसे 40 पिक्सल, तो कुछ ज़्यादा ही आ रही है फॉन्ट साइज़ हो गई हमारी, तो इसे हमें बिल्कुल कम करना पड़ेगा, 20 पिक्सल कर दिया हमने, तो ठीक लग रही है हमारी 20 पिक्सल। देन पोजीशन रिलेटिव देंगे यहाँ पर, हम देंगे पोजीशन रिलेटिव, यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगा था इसीलिए नहीं आ रहा है हमारे पास, पोजीशन रिलेटिव ये आ गया पोजीशन रिलेटिव, और टॉप से इसे दे देंगे हम 60 पिक्सल। बेसिकली हम इसे थोड़ा कम कर देंगे, देखिए हमने सेव किया लेकिन और कम करना पड़ेगा, बेसिकली 20 कर देंगे हम, ये दैट्स फाइन, ये अच्छा लग रहा है बहुत। आप देख सकते हो कि हमने पूरी CSS दे दी है और बस थोड़ी ही CSS देना बाकी है इसे, तो क्या करेंगे बेसिकली हमने विड्थ थोड़ी इंक्रीज कर दिया उसको विड्थ को, और अब बेसिकली हम कर रहे हैं ML मीन्स मार्जिन लेफ्ट से 38%, मतलब ये अब चला जाएगा सेंटर में, और मार्जिन टॉप से भी हम थोड़ा उसको दे दे रहे हैं कि भाई ये इधर से भी सेंटर में, इधर से भी सेंटर में देखिए, तो आप देख सकते हो अब ये बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है हमारे। अब आती यार हमने पूरी CSS दे दिए, अब आती है बारी गूगल फॉन्ट यूज़ करने की। गूगल फॉन्ट आप देख सकते हो मैंने ये लिंक को कॉपी किया, बेसिकली ये इम्पोर्ट वाली लिंक को कॉपी किया है मैंने, देन मैं उसे इसी CSS में ही उस लिंक को पेस्ट कर दूंगा, इम्पोर्ट वाली लिंक को कॉपी किया है, देन जो उसके नीचे रोबोटो है ना ये दिख रही है, इसे कॉपी करा इस छोटी CSS को और इसे बॉडी टैग में अप्लाई कर दिया सभी जगह, तो हम देखते हैं कि आउटपुट अब कैसा आ रहा है। ये देखिए अब आउटपुट कैसा आ रहा है, बिल्कुल जब हम गूगल फॉन्ट यूज़ करते हैं तो आउटपुट चेंज हो जाता है,
बिल्कुल आउटपुट चेंज हो जाता है और एकदम ये ब्यूटीफुल लग रहा है। आप देख सकते हैं हम कुछ पासवर्ड लिख सकते हैं, यूज़र नेम लिख सकते हैं। अब हमारे पास कुछ थोड़ी सी एसेस देने की बाकी है। बेसिकली हम यहाँ लगा देंगे कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर लगा देंगे यहाँ पर। देन हम बटन में भी कर्सर पॉइंटर होना ज़रूरी है यार, कर्सर पॉइंटर इसमें भी लगा दिया। और अब बेसिकली हम लगाने जा रहे हैं बटन पर होवर इफ़ेक्ट। तो अब आपको मज़ा आएगा, हम इस पर लगाने जा रहे हैं होवर इफ़ेक्ट बटन, और हम यहाँ लिखेंगे कॉलन होवर लिखें आप। जैसे जब कोई होवर करे तो बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर हम ब्लू ही ले रहे हैं, ब्लू कलर ले रहे हैं, लेकिन इस ब्लू कलर को हम और हल्का लेंगे, मतलब जो हमने कलर लिया था ब्लू उससे और हल्का इस ब्लू कलर को ले रहे हैं। और फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल कर रहे हैं। देखिए जैसे कोई होवर करे तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हल्का हो जाए और फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाए। ये देखिए कर्सर सभी पे पॉइंटर आ रहा है, ये देखिए कलर बराबर हो रहा है बिल्कुल सही, लेकिन जो फॉन्ट साइज़ है उसे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा हमें। ये देखिए हमने 26 कर दिया बेसिकली। ये देखिए जैसे ही हम होवर कर रहे फॉन्ट साइज इंक्रीज़ हो रहा है, बैकग्राउंड कलर हल्का हो रहा है। और नीचे भी आप देख सकते हो कि हमारे पास कर्सर पॉइंटर आ रहा है। अगर यार आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग गाइस, थैंक्स।